प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा सातवीं का अध्याय तीन, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, उसकी प्रश्नावली 3.1 जो आपके गणित में पेज नंबर 68 पर है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी रकम पढ़ते हैं। 6 कर्मागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। तो ये 6 कर्मागत यानी कि लगातार, जैसे कि 2001, 2002, इस तरह लगातार 3, 4, 5, 6 तक 6 वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है। तो 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820, इस तरह से 6 वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या किसी स्कूल की बताई गई है। इस समय काल में विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो 6 वर्षों का समय है, इसमें विद्यार्थियों की कुल संख्या दी हुई है अलग अलग 6 वर्षों की, इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हम सभी इनको विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ देंगे और फिर इन जितने सालों की है उससे भाग कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 कर्मागत वर्षों में, 6 कर्मागत वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या, वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या जो हमें दी हुई है, हमें वही लिखनी है। 1555, 1555, 1670, 1670, 1750, 1750 और 2013, 2013, 2540, 2540, 2820, 2820। तो अब हमें इनका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए पहले या तो हम इनको व्यवस्थित रूप में लिख लेंगे, नहीं तो हम इनको सीधा ही छोड़ देते हैं। अगर परिसर निकालना होता तो हमें जरूरी लिखना पड़ता, अब हम इनको सीधा जोड़ देते हैं। माध्य संख्या बराबर है, माध्य संख्या बराबर है, सभी विद्यार्थियों की संख्या का योग कर देंगे बटे उनकी संख्या और से उनको भाग कर देंगे। फार्मूला लिखना है आपको, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर है। ये फिर से लिखेंगे, 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्षों की है, हम 6 से भाग कर देंगे इसको। तो इसको हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं, या तो आप इनको ऊपर नीचे लिख लीजिए, या पहले इकाई इकाई के अंकों को जोड़ते हैं फिर दहाई के अंकों को जोड़ते हैं। आपके लिए ये सबसे आसान तरीका रहेगा। आप इनको 1555 इस तरह से ऊपर नीचे लिख के जोड़ लीजिए। 1670, सभी 4 अंकों की संख्या है इसलिए इधर से ही लिख देती हूँ। 1670, फिर 1750, फिर 2013, 2540 और 2820, इन सभी को आपको जोड़ना है। तो जोड़ना शुरू करते हैं इकाई की तरफ से, 5 और 3, 8 हासिल नहीं है, 5 और 3, 8 लिख दिया है, 5 और 7, 12 और 5, 17, 18 और 4, 22 और 2, 24 हासिल हो गई, 2, 2 हासिल और 5, 7 और 6, 13, 7, 20 और 5, 25 और 8, 33 हासिल आएगी, 3, 3 और 1, 4, 5, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। तो इस प्रकार हम इनको जोड़ लेंगे, इनका जोड़ आएगा 12,348, 12,348 बटे में है 6। तो अब 6 से हमें इसको भाग करना है 12,348 को। तो आपको काटना आता है तो आप इनको काट सकते हैं, वरना इस तरह से आप भाग करके देख लीजिए, 6 दूनी 12 तो 0 बच जाएगी, क्या उतारेंगे, 3 उतारेंगे, 3 से भाग नहीं जाएगा 6, क्या करेंगे, 0 चढ़ाएंगे
और फिर अगला अक्षर उतार लेंगे। जब भी भाग में दो अक्षर एक साथ उतारने हो दो अंक, तो हमें जीरो चढ़ानी पड़ेगी, वरना नियम ये है कि हम एक बार में एक अंक ही उतार सकते हैं। एक अंक हमने उतार लिया था, तीन भाग नहीं गया तब जीरो चढ़ा दी, क्या उतार लिया, दो छः पंजे 30, फिर 4 बच जाएगा, फिर यहाँ से उतारेंगे हम 8, 6 48, तो अब पूरा भाग चला जाता है, तो भागफल आ गया हमारा 2058, 2058, तो ये है क्या है, ये विद्यार्थियों की संख्या का माध्य है, 2058 क्या था ये, विद्यार्थी, आप इसके सामने लिख सकते हैं विद्यार्थी, 2058 विद्यार्थी, 6 जो हमारे 6 वर्षों के विद्यार्थियों की संख्या दी हुई थी उनका उनकी माध्य संख्या है 2058। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 को हल करना सीखा, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 हल करना सीखेंगे। थैंक यू बच्चों।